भागलपुर में ससुराल से नई नवेली दुल्हन का अपहरण हो गया। दुल्हा ने अपहरण करने का आरोप अपने साला, ससुर और संबंधी पर लगाया है। दरअसल पत्नी की बरामदगी के लिए दुल्हा एसएसपी कार्यालय पहुंचा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित जीरो माइल थाना के बहादुरपुर निवासी छोटन पासवान के पुत्र अभ्यास कुमार ने बताया कि 5 साल पहले एग्जाम देने के दौरान रितु कुमारी से कॉलेज में दोस्ती हुई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 9 नवंबर 2024 को महिला थाना में दोनों पक्षों के समझौता के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी करवा दी गई। महिला थाना गेट के सामने अभ्यास ने रितु कुमारी का सिंदूरदान किया था, उसके बाद उसे धर्म पत्नी मानते हुए घर ले आया। इस शादी से लड़की के मायके वाले नाराज थे। शादी के 5 दिन बाद पीड़ित के घर से अपनी बेटी को अगवा कर लिया। कंप्लेन देने के लिए क्या मामला है? मामला यही कि मेरा वाइफ को घर से दिन दोपहर अपहरण कर लिया। घर में कोई नहीं था। कौन अपहरण किया? उसका भाई था, मामा था और ड्राइवर था, पप्पू ड्राइवर और मामी थी। 7-8 आदमी साथ आया था। काहे अपहरण किया? अपहरण इसलिए क्या कि उसको शादी मंजूर नहीं था। शादी मंजूर नहीं था? कब शादी हुई थी? 9 तारीख को हुआ था। 9 तारीख को? हाँ, 9/11/2024 को। कहाँ हुई थी शादी? महिला थाना में। महिला थाना? हाँ, बॉन्ड भी भरवाया गया था। किसने बॉन्ड भरवाया था? महिला थाना का जो बड़ा बाबू थे, मैडम थे। मैडम थे? हाँ। उसके बाद शादी कराया गया? हाँ, उसके बाद शादी करा के लड़की को हम अपने घर लाए थे। अब अपहरण करके ले गए? 5 दिन बाद अपहरण करके ले चल गए। कहाँ मिले थे तुम? हम लोग कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में क्या करने आई थी? कॉलेज आई थी, आती थी एग्जाम देने के लिए यार, तब हम लोग मिले थे। कब मिले थे? 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभ्यास कुमार है। लड़की का? रितु कुमारी। अभी एसएसपी सर क्या बोले? सर बोले क्या कार्रवाई हो जाएंगे, जीरो माइल थानों में सूचित कर दिया जाए। फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे लड़की के साथ? हाँ, फिजिकल रिलेशन भी था। अभी क्या स्थिति थी लड़की की? लड़की बोल रही थी 2.5 महीना का प्रेगनेंट थी, तब हम लोग महिला थानों में सलाह विचार करके शादी किए थे। एसएसपी को लिखे शिकायत में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बहादुरपुर के रहने वाले सीताराम पासवान की पुत्री रितु कुमारी से 9 नवंबर को महिला थाना में पुलिस और दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी रितु कुमारी के साथ अपने स्थायी निवास पर रह रहा था। इसी बीच 14 नवंबर को जब मैं काम पर गया, घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए। इसी बीच कपड़ा धो रही मेरी पत्नी रितु के भाई विनीत पासवान, अभिषेक पासवान और मौसा राजेश पासवान और साथ में गाड़ी का ड्राइवर पप्पू पासवान और मेरी सास सीसम देवी सभी मिलकर मेरे घर पर आए और मेरी पत्नी को बलपूर्वक खींचकर मारपीट करते हुए घर से लेकर गाड़ी में बिठाकर चले गए। जब मैं घर वापस लौटा तो सभी ने मिलकर बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। बाद में मेरे साले ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित युवक ने मुहैया कराई है। हम तो डॉक्टर यहाँ गए थे कालखाना, जांच वही करवाए हैं विनय कुमार के साथ, वहीं थे। जब हम सुने कि बहू को ले गया तो कौन ले गया? बहू को? बहू को विनीत और अपहरण कर ले गया। कहाँ शादी कर रहे बेटा? बेटा ने 4 घर बाद शादी किया है बहादुरपुर में। कैसे शादी हो लगे? मरी से कहिए भगा भगी हो चले वो दोनों। हाँ। जान में दोनों शादी कर ले चुपचे चाप। हम वहाँ से हमें सुनी सोचलिया कि ना रखब, मैं प्रशासन रो साथ आई रहे थाना पर से लेकर हम तोरा घर में रह चाहे छो। तो मनी प्रशासन ने बोला कि नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा, रखना पड़ेगा। तो हम बोले कि हाँ रखेंगे, बहू हो गया तो नहीं रखेंगे। इतने में 4 बजे से 2 बजे के बाद हम डॉक्टर के यहाँ निकले। 2 बजे के बीच में वो जो है घर ढूक के मार के दोनों बहन के बाड़ी बंद करके उसको लड़कियों को घिसिया के लेके गया है। अभी एसपी सर के पास आए तो क्या कुछ बोले सर? एसपी सर ने बोला कि यहाँ थाना हम फोन करेंगे, कार्रवाई आगे करेंगे। तो खुश चलो बेटा से? हाँ, मैं बेटा बहुत तो खुश चलो। इस मामले में एसएसपी ने पीड़ित युवक को आश्वासन दिया है कि स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है। मामले की छानबीन के बाद दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।